शहर के बीचों बीच टाउन हॉल में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से बाजार में हड़कंप मच गया। दमकल गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि ट्रांसफार्मर फटा नहीं, वरना आग विकराल रूप ले सकती थी और आसपास कपड़े का मार्केट भी है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आज जस्ट जैसे ही फर्स्ट में चेयरमैन साहब ने 1:00 और 10 मिनट पे एक मैसेज दिया कि अगरसेन सर्किल के पास किसी बैंक में आग लग रही है, तो ये सूचना मिलते ही तुरंत बड़ी गाड़ी को रवाना मैं स्टाफ वहाँ कर दी थी। बाकी फिलहाल सेकंड कॉल ये आया तो इसमें फिर मैंने ड्राइवर मौजूद मिल गया, तो 2 कर्मचारी लगता था। अगर इसमें ज़्यादा आग लग जाती तो दुकान, अगर इसमें आग लगती तो ये मार्केट में मतलब आग लगने की भयंकर खतरा बढ़ जाता, और ये जैसे ही ऑयल फटता ना तो ये पूरा इनका जो ट्रांसफार्मर हैं दूसरे वो भी ख़त्म हो जाते, और ये मार्केट की जितनी दुकानें हैं ना ये आग पकड़ जाती, तो बहुत भयंकर हादसा होने की भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं तो खाना लेकर आया, जैसे ही मैंने यहाँ आकर देखा ट्रांसफार्मर में एकदम से आग की लपटें उठ रही थी। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आई, पानी वानी डाला, अब जाके आग पर काबू पाया गया। ट्रांसफार्मर में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर, ये GSS के पास ही लगा हुआ है, इसमें आग लगी है और आग की लपटें ऊपर तक गई हुई थी। पास में एक चाय की ठेली वाला था, उसको भगाया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड मौके पर 5-7 मिनट में पहुंच गई है। आग लगने क्या कारण थे? आग तेज गर्मी की वजह से लगी है जी। एक्चुअल मेरी दुकान है सामने ही मोबाइल की, और जैसे इसमें आग लगी तो वैसे ही मैंने मीडिया के माध्यम से पत्रकारों को और वैसे अखबार वालों को, प्रेस वालों को, नगर परिषद को, सभापति वगैरह को कॉल करके बोला कि आग लग गई है। सामने रहते सभापति जी ने तुरंत ही सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भेजी। आग ज़्यादा भयंकर थी क्या? आग तो ठीक थी, अगर समय रहते अगर आस पड़ोस द्वारा नहीं बुझाई जाती, आस पड़ोस के लोगों द्वारा, तो भयंकर रूप ले सकती थी। बगल के इनमें ही इसका GSS लगा हुआ, जो अगर इसमें आग लग जाती यहाँ पर लाखों का उसका समय रहते बुझा दी गई पड़ोसियों के द्वारा। अगर इसकी आग ज़्यादा भयानक रूप लेती तो बगल में GSS था जो उसमें लग जाती तो उस पर आग पे काबू पाना। गौरतलब है कि पिछले दिनों शाहपुरा में इसी तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगने बाद उसके फटने से कई लोगों की वहां मौत हो गई थी।